हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स टू देख रहे हैं, जिसमें हम सभी पढ़ रहे हैं एमडी मेथड। और इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि मेरे चैनल पे 85% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को सिर्फ वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और 14% ही हैं, 14-15% ही हैं जो सब्सक्राइब करके और वीडियो को देख रहे हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए स्टेप्स देख लेते हैं कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या किया जाता है। तो मैं इसका पहला स्टेप की बात कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप्स की बात कर रहा हूँ। तो पहले स्टेप में क्या किया जाता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फिक्स एंड मोमेंट फाइंड आउट कर लें, ठीक है। फिक्स एंड मोमेंट क्या कर लें, सबसे पहले स्पान जो भी है उसमें फिक्स एंड मोमेंट रख के आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट कर लेना है। ईच स्पान का फिक्स एंड मोमेंट फाइंड आउट कर लेना है। दो स्पान है तो दो स्पान का, थ्री स्पान है तो थ्री स्पान का फिक्स एंड मोमेंट आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही फिक्स एंड मोमेंट आपको कैलकुलेट कर लेते हैं तो दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि उसका जो भी ज्वाइंट है, ईच ज्वाइंट का डी एफ फाइंड आउट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जिसको डीएफ भी शॉर्ट में बोला जाता है, एट ईच ज्वाइंट। सभी ज्वाइंट का आपने क्या कर लेना है, इसका डीएफ कैलकुलेट कर लेना है। और जैसे डीएफ कैलकुलेट हो जाता है तो आपको क्या करना है, फिर कैरी आउट मोमेंट इन टेबुलर फॉर्म करना है। इसके बाद क्या करना है, जैसे डीएफ हो जाता है तो मोमेंट को कैरी आउट करना है, और किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। वो मैं जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से टेबुलर फॉर्म में वो कैरी आउट होता है। तो तीसरा आपको वही करना है, कैरी आउट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एमडी जो बोला जाता है इन द टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, चौथे स्टेप में आपको कैरी ओवर करना है। जैसे कि जहां पे सिंपल है वहां के मोमेंट, वहां के जितने भी उस तरफ के मोमेंट है वो सबको ट्रांसफर करके फिक्स की तरफ या बीच वाला जो सपोर्ट है उस तरफ करना। अगर एंड वाला जो सपोर्ट है वो फिक्स नहीं है तो आपने क्या करना है कि जो बीच वाला है उसकी तरफ हमने मोमेंट जितना भी है स्पान पे मोमेंट वो सब कुछ ट्रांसफर करके बीच वाले पे कर देना है। तो वही चीज यहां पर है, क्या करना है, जैसे कि ये कैरी मोमेंट हो रहा था तो इसमें क्या किया जाता है, इसी में ये पॉइंट आ जाता है, तीसरे में ही लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, इफ एंड सपोर्ट इज सिंपल, ठीक है, अगर सिंपल होता है, इट इज फर्स्ट एज्यूम्ड फिक्स्ड देन इट इज बैलेंस्ड बाय गिविंग इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट एंड हाफ मोमेंट इज कैरिड ओवर, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट में क्या करना है कि जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूड अंटिल कैरी ओवर मोमेंट becomes very less,
बहुत ही कम हो जाए तो हमें फाइनल मोमेंट ऑब्टेन हो जाता है, फाइनल मोमेंट ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, बहुत ही कम मतलब ट्रांसफर जो होने वाला है, ठीक है, जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो तब तक कंटिन्यू रखेंगे कि जब तक वो बहुत ही कम ना हो जाए, ठीक है, ना जीरो के बराबर ना हो जाए तब तक, और उसके बाद हमारे फाइनल मोमेंट ऑब्टेंड हो जाएगा। और यही हमारा काम ही होता है कि फाइनल मोमेंट ऑब्टेंड करना। ठीक है, उसके बेस पे आप उसका बीएम डायग्राम इज ड्रॉन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, कंसीडरिंग ईच स्पान एज अ सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करके आपने क्या कर देना है, उसका बीएम डायग्राम ड्रॉ कर देना है और लास्ट में एसएफ डायग्राम ड्रॉ कर देना है। एसएफ डायग्राम इज ड्रॉन, आपको बहुत ही सिंपल मेथड समझा दिया है कि एसएफ डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो वो भी एक सिंपल मेथड है, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। सो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।